हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। देखिए, आज हमको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45 आर द मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए, 30 और 45 के जो आपके मल्टीपल्स हैं वो कॉमन भी होने चाहिए, ठीक है? 5 के कॉमन भी होने चाहिए, ठीक है? तो देखिए देखिए 10 के टेबल में 45 आता नहीं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 5 के टेबल में 30 भी आता है और 5 के टेबल 45 भी आता है, 5 9 45। 15 के टेबल में 30 भी आता है और 45 भी आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा 5। देखिए 5 के टेबल में 15 आता है और 25 भी आता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23। ए पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेड 42,656 पेंस इन अ मंथ ऑफ दिसंबर। इफ इक्वल नंबर ऑफ पेंस वर मेड एवरी डे, नाउ देन हाउ मेनी पेंस वर मेड इन वन डे। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिसंबर में 42,656 आपके क्या बने, इतने पेंस बनते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हर दिन कितने बने, तो क्या करेंगे? दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 से डिवाइड कर देंगे किसको? 42,646 को, ठीक है? तो 31 टू में से बन जाएगा 1, यहाँ पे 11 और यह आ जाएगा 6, ठीक है? फिर 31 3 सा कितना होता है? 93। तो 93 माइनस होगा 3 और 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3 और 11 1 में से, तो 11 में से कितना जाएगा तो बचेगा 2, ठीक? और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर 31 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो 7 1 7 और 7 3 21, ठीक है? अब यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ पे 2 में से 1 181 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 31 6 का कितना होता है? 186। तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक दिन में कितना पेन बनाते हैं? 1376, ऑप्शन नंबर सी। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज 52,385 एंड द अनदर मोबाइल फोन इज 40,270। एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट मोबाइल फोन। तो देखिए हमें एस्टिमेशन निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे? देखिए तो यहाँ पे कितना लिखा है? 52,000, ठीक है? 385, ये एक मोबाइल का फ़ोन है और दूसरे मोबाइल कितने मिल रहा है? 40,276। ऐड कर लेंगे दोनों, 1 और 8 8 16, 1 3 3 6 2 9, कितना आ गया? 92,661। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस करना है, ठीक है? माइनस करना है तो चलिए माइनस करते हैं, डिफरेंस पूछा है। देखिए 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 70। 3 में से 2 जाएगा 1 2 और 1, तो 121 12,109 आया है। तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा? 12, देखिए 1000 के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो 12,000 किसके ज़्यादा पास में है? 10,000 के। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000। तो एस्टिमेशन इसका कितना होगा? 10,000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 20 आर द बिटवीन 10 एंड 190। तो कितने मल्टीपल्स हैं इसके, ठीक है? 10 और 190। तो देखिए 20 का टेबल 40 60, 20 का मल्टीपल ये होता है, 20 का टेबल 80 100 120 140 160 180। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये 190 से कम है और 10 से ज़्यादा है, ठीक है? तो कितने हो गए? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5, 5 सर्किल हैं, 5 सर्किल का वैल्यू 40। तो देखिए एक सर्किल की वैल्यू 25 25 25 5 जो कितना होता है? 125। तो एक सर्किल की वैल्यू कितनी है? 25, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए ये 25 है, ठीक, ये 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21, यानी कि ट्रायंगल जो हो जाएगा 21, क्योंकि 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 25, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं ट्रायंगल की वैल्यू, आपको पता चलिए 21, ये भी 21 और ये आपका 25 और ये 25। तो यहाँ पे 21, देखिए 25 25 50 हो गया, ठीक है? 50 में और ये कितना हो जाएगा?
112 और 4 42, तो कितना हो जाएगा 2 और 5 4 9 92, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 92, ऑप्शन नंबर डी। देयर आर इवन फैक्टर ऑफ 40, 40 का इवन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, तो देखिए 40 के फैक्टर, 40 किसके किसके टेबल में आता है, तो पहले तो ये जानिए, ठीक है, तो पहला है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5 के टेबल में आता है, फिर 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है और 40 के टेबल, लेकिन इवन नंबर चाहिए, तो 5 इवन नंबर है नहीं, ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अच्छा देखिए 1 को भी इसने काउंट नहीं किया क्योंकि 1 आपका क्या है इवन नंबर में नहीं है, 2 से इवन नंबर शुरू होता है, तो कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर बजेगा 6। क्वेश्चन 28, ए रेस्टोरेंट कैन एकोमोडेट 5,200 गेस्ट इफ देयर आर 1,205 adults एंड 1,820 children इन रेस्टोरेंट, हाउ मेनी गेस्ट कैन बी एकोमोडेट देयर रेस्टोरेंट। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि पहला तो आपको इन दोनों को ऐड करना है कि ये दोनों कितने होंगे, ठीक है, पहले आप एडल्ट और चिल्ड्रन को ऐड कर लीजिए, तो 1205 और 1820, ठीक है, तो 5 हो गया, 2 हो गया, 0 और 3, 3,225। अब क्या करेंगे इसमें से, मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि और कितने गेस्ट आ सकते हैं, तो 5,200 में से हम कितना 3025 माइनस कर देंगे, तो जाएगा 572 और 2, तो 2,275, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको कैरी दे देगा, तो 2175 अभी और गेस्ट इसमें आ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, अरुण सेविंग इन द ईयर 2016 इतना सेविंग करता है 3,05,690, नेक्स्ट ईयर क्या होता है इसकी सेविंग जो है वो प्रीवियस से 50,000 बढ़ जाती है, तो उसने कितना अमाउंट सेव किया, तो देखिए पहले साल इसने कितना किया 30,000 उसके बाद अगले साल ये फिर से इतना पैसा तो बचाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ 50,000 एक्स्ट्रा बचाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितना हो जाएगा 0, 9 and 18 का 8, 1 carry, 6 6 12 और 13 का 3, 1 carry 10 और 11 और 5 1 6 और 3 3 6, तो कितना आ गया 661,380, ऑप्शन नंबर डी, इतना पैसा वो बचा लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, विच आर द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर विच हैज़ फैक्टर 3, तो देखिए वन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9, और इसके 3 फैक्टर है, कौन कौन 1, 3 और 9, बस खत्म हो गया। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, अगर देखिए ये केला देखिए 3 है ना, तो अगर मैं 16, एक केले की वैल्यू 16 हो जाएगी, ये भी 16 और ये भी 16, तो ये 16 बन के कितना हो जाएगा 48, ठीक है, और ये भी 16, तो 16 आपका कितना हो गया 32, और अगर हमें 8 यहाँ पे लिख दूँ तो 16 और 8 बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है, यानी कि एप्पल की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 8 हो गई है, अब यहाँ पे देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 में, अब कितना ये बचेगा 24 में 6 और अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो मैंगो की वैल्यू पूछी थी कितना है, तो कितना है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द इक्वल टू द नंबर, तो ये बात बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है, कि जो भी मल्टीपल होता है, ठीक है ना, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द दैट नंबर, तो बिल्कुल ठीक है, वो नंबर होता है साथ ही उससे बड़े नंबर भी उसके मल्टीपल्स होते हैं। एवरी नंबर द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल ठीक है, हर नंबर अपने आप नंबर का फैक्टर होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ट्रू हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अब अगर ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, तो ये डिवाइड करना है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या आएगा, पहले का बी होगा, ठीक है, दूसरे का तीसरा होगा और 18 का ये होगा, तो आप लोग इसको डिवाइड करके खुद करेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये क्वेश्चन मैं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, ठीक, डिवाइड करना है, जैसे 15 है ना, 15 से आप डिवाइड कर लीजिए किसको 5, 6, 8, 2, 4 को, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, तो ये करके बताइएगा, नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन, क्या कुछ है, ए नंबर हैविंग मोर देन
डैश फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देखिए ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 30 और 35 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है तो ये होगा 210। ठीक है एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं 35 और 30, तो 5 से 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30। तो देखिए 5 इंटू 7 इंटू 6 तो कितना, 5 6 जा 30, 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा एलसीएम, 210। ठीक, अब लिखा है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ, तो कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता ही होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा 2, 210 और 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 35 है ना, अगर ये 700 की हो जाए, ये भी 700 की हो जाए, ये भी 700 की हो जाए और ये भी 700 की कार हो जाए, तो ये कितना मिलके बनाएगा, 3500। ठीक, तो कार की वैल्यू में पता चल गई कितनी है, 700, तो यहाँ पे 700 लिखेंगे और यहाँ पे 1200 है, तो 1200 में अगर 700 में 500 और ऐड कर दूँ तो बस की वैल्यू कितनी आएगी, 500, तो यहाँ पे लिख लेंगे 500। तो कार, ये बाइक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 में से 500 माइनस कर देंगे तो ये जाएगी 800। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा है कि बाइक और इन दोनों का सम कितना होगा, तो ये 800 और ये 700, तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2021 में कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए एक्स आई एक्स का मतलब क्या होता है, 19। ठीक है, एक्स आई एक्स का मतलब क्या होता है, 19। एल एक्स आई एक्स का मतलब कितना होता है, 69। ठीक है, 69। एक्स एक्स वी आई का मतलब कितना होता है, 26 लिखेंगे। एक्स एक्स का मतलब होता है 20 और एक्स एल आई आई का मतलब होता है 52। बस इनको ऐड कर देना है, 9 और 18 और 6 24 और 2 26, यहाँ पे 2 कैरी, तो 2 और 1 3 6 9 9 और 4 13 और 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 6 15 और 3 18। कुछ गड़बड़ हो रहा है, टू सिक्स टू ज़ीरो फाइव टू, देखिए 9 और 18 6, ठीक है 2 और 3, ये तो 186 आ रहा है क्या, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है क्या। देखिए एक्स आई एक्स का मतलब कितना हो गया, 10 और 19, अच्छा ये 42 होगा, एक्सएल का मतलब क्या होता है 40 और ये 2 42, ठीक है ना 42, तो आ जाएगा 7 176। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 176, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यहाँ पे गलती हुई थी, एक्सएल का मतलब 40 होता है, 2 मतलब 12, तो कितना जाएगा 42। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फोर्थ मल्टीपल ऑफ द ईच, फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, 5 का 20, 8 4 जा 32, 12 चौके 48। ठीक है, तो ऐड कर देंगे 20 32 48, तो 8 2 10, यहाँ पे 1 कैरी, 4 3 7, 7 2 9 1 10, कितना जाएगा 100, इसका आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर, विच आर द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर दैट हैज़ ओनली 3 फैक्टर। तो अभी आपने पढ़ा था कि 1 3-digit का 3 फैक्टर कौन होता है, सबसे बड़ा नंबर 9 होता है और उसके 3 फैक्टर 1, 3 और 9। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, अभी 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए मीकू केप्ट ए बर्ड इन अ केज, 8 बर्ड इन ईच केज, इफ सी इज 14,048 हाउ मेनी केजेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक केज का पूछा है तो एक केज में कितने आएंगे टोटल हैं, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 8 1 8, यहाँ पे 6 0, 8 7 56, 4 4, 8 5 40, 4 8 और 8 6 48, ठीक कितना हो जाएगा, 1756, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये कह रहा है जावेद के पास 21 कॉमिक्स हैं, ही गॉट 2 मोर फ्रॉम हिज आंट। देखिए 21 है, 2 इसको अपनी आंटी से मिलता है अपने बर्थडे पे, और इसने 3 अपने पॉकेट मनी से खरीदा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अच्छा 12 मोर ऑन बर्थडे, 12 और मिलता है उसके बर्थडे पे मिलता है, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे सबको बस ख़त्म, तो कितना आ जाएगा 38, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, पार्किंग स्पेस इन थिएटर पी इज, तो पी देखिए कितना कार है और
क्यू कितना का आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पी से क्यू में, पी से कितना ज़्यादा है क्यू में, तो पी कितना है 79407 और क्यू में कितना है 58868। अब इसको माइनस करेंगे, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 3, 13 में से 8 जाएगा 5 और 880 और यहाँ पे 7 से 5 जाएगा 2, तो कितना जाएगा 20539। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, 9 में से 8 जाएगा 1, तो 21539 कहाँ पे है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, 58868। अच्छा चलिए फिर से करते हैं, देखिए कितना है 79407 और कितना है 58, क्यू में कितना है 58868। देखिए 17 में से यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 17 में से जाएगा कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया तो ये हो जाएगा 0 और 7 से 5 जाएगा 2, 20539, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक है, इवन प्राइम नंबर है 2। और क्वेश्चन क्या लिखा है, सम ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का 6 मल्टीपल कितना होता है 48 और 9 का 7 मल्टीपल, तो 9 से 63, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 11 और 11, ठीक है, ये भी ट्रू है। द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, रिजुल हैड फॉलोइंग 4 जार्स ऑफ मार्बल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रिजुल हैड व्हेन राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे क्योंकि टोटल पूछा है, उसका राउंड ऑफ पूछा है 100 के उसमें रिस्पेक्ट में, तो हम ऐड कर लेंगे 4375 1872 3488 और 1937, तो ऐड कर लेंगे इसको, 8 7 15 5 20 और 2 22 का 2, यहाँ पे 2 कैरी, और 7 2 9 9 7 16 16 8 24 24 और 3 27 का 7, यहाँ पे 2 कैरी, 3 2 5 8 5 13 13 और 4 कितना हो गया 17 17 19 26 का 6 हासिल 2, 4 2 6 6 6 और 1 7 7 3 10 10 और 1 11, ठीक है, तो ये जगह 11672, लेकिन इसका 100 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना, तो 100 में राउंड, देखिए 100 पोजीशन तक क्या है 672 और ये 650 से ज़्यादा है तो 11700 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, यहाँ पे देखिए 8 का फैक्टर 3 और 6 है, तो 3 का 3 और 2 होगा, ठीक है, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 4,750 मेन 3,700 चिल्ड्रन इन द विलेज, टोटल पॉपुलेशन पूछे तो तीनों को ऐड कर देंगे, 4,758 3,978 और 2,650, 8 8 16 का 6 1 कैरी, 5 5 10 17 1 18 1 कैरी, 9 और 10 10 और 7 17 17 और 6 23, यहाँ पे 2 कैरी, 4 2 6 6 6 और 5 कितना हो जाएगा 11,386, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गया, और वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो ये है मेरा QR कोड, आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, देखिए आपके पैसे से ही मैं, YouTube पे भी मुझे रेगुलर पेमेंट्स नहीं मिलती इसलिए ऐसा करना पड़ता है, तो जो भी पैसे आपको मिलते हैं उनसे मैं बुक्स खरीदता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, बस इसका ही मोटिव है, और अगर आप करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।